हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन इज माय फ्यूचर। तो बच्चों, आज हम क्लास वन यूनिट सिक्स ये इफ़ आई वेयर एन एप्पल, यदि मैं एक सेब होता, ये पोएम है। इस पोएम को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। मैरी गोल्ड फर्स्ट से एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन है ये, और ये पोएम है, इसको आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं, क्लास वन का है ये पोएम, यूनिट सिक्स। ठीक है, तो चैप्टर सिक्स है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। लर्न रिसाइट एंड एंजॉय दिस पोएम। लर्न मीन्स सीखना, तो इस पोएम को हमें सीखना है, रिसाइट सुनाना है एंड एंजॉय दिस पोएम। इस जो ये कविता को सीखना है और सुनाना है, एंजॉय करना है, आनंद लेना है। ठीक है, तो ये पोएम का ये नेम है इफ़ आई वेयर एन एप्पल, ये अगर मैं एक एप्पल होता, यानी एक सेब होता। आप जैसे ही एक बॉय है, पिक्चर में देखिए नीचे, आप लोग भी अपने बुक में देख रहे होंगे, इसमें भी दिया है। देखिए, एक बच्चा है, ये इमेजिंग कर रहा है, कल्पना कर रहा है। आपके ही ये एज का है, 7-6 ईयर का, तो ये भी कल्पना कर रहे हैं कि मैं क्या, अगर मैं सेव होता तो क्या पोएम में क्या है, वही पढ़ना है हम लोग को। ठीक है, तो चलिए हमारे साथ पढ़िए आप लोग भी। इफ़ मिस होता है यदि, इफ़ मिस होता है यदि, आई मिस मैं थोड़ा मैं आपको मुख से बोल रही हूँ, जिन लोग को हर वर्ड का मैं हिंदी बता देती हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इफ़ मिस होते हैं यदि या अगर, आई मिस होता है मैं, और एन एप्पल, एप्पल एक एप्पल मीन्स होता है सेब, ये तो सबको पता होगा। लेकिन एन क्यों लगा है, ये देखिए, जब भी हम वाबेल लेटर से कोई भी वर्ड लिखते हैं तो उसके पहले एन का यूज करते हैं। ठीक है, उसके पहले ए नहीं यूज होता, उसके पहले एन यूज होता है। तो ये तो यूकेजी का क्वेश्चन है, ये तो आप लोग को आता होगा, नहीं आता होगा तो मैं आपको बता दी। ये जो ए ई आई ओ यू पाँच वाबेल होते हैं ना, तो वाबेल में जितने भी जो भी लेटर जब कहीं लिखेंगे आप, तो उसके पहले एन लगाते हैं, ए की जगह एन लगाते हैं। जब कुछ अगर एक एप्पल रहता, उस एप्पलों के आगे ए नहीं लगाते, एन लगाते हैं। चाहे कोई भी वाबेल लेटर से लिखा हो, वहाँ पे एन यूज होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। एंड मिस और, ग्रीव मिस उगता, और ऑन द ट्री, आन मिस पर, ए ट्री पेड़ पर। देखो, इफ़ आई वेयर एन एप्पल एंड ग्रीव ऑन अ ट्री, अगर मैं एक एप्पल होता, अगर मैं एक सेब होता एंड ग्रीव ऑन अ ट्री, तो एक पेड़ पर उगता, और एक पेड़ पर उगता, लड़का इमेज कर रहा है, यदि मैं एक सेब होता और पेड़ पर उगता, आई थिंक आई डिड ड्रॉप डाउन, आई मिस मैं, थिंक मिस सोच रहा है, क्या सोच रहा है, आई डू नॉट ड्रॉप डाउन, तो वो सोच रहा है, मुझे लगता है कि, वो सोच रहा है ऐसा, आई थिंक आई डू ड्रॉप डाउन ऑन अ नाइस बॉय लाइक मी, मुझे लगता है कि मैं अपने जैसे अच्छे लड़कों को पसंद करूँगा, मुझे लगता है मैं अपने जैसे बच्चों को, अ नाइस, नाइस मीन्स अच्छा होता है, बॉय मीन्स लड़का, लाइक मीन्स पसंद करता, मैं अपने जैसे लड़कों को पसंद करता, मुझे लगता है कि मैं अपने जैसे लड़कों को पसंद करूँगा। ये इमेज कर रहे हैं, लड़का इमेज कर रहा है, आई वुड नाट स्टे देयर गिविंग नो बडी जॉय। तो इसके बाद क्या बोला है, आई वुड नाट स्टे देयर, इसका मीनिंग होगा मैं वहाँ नहीं रुकूँगा, मैं वहाँ नहीं रुकूँगा, कहाँ पर, पेड़ पर, लड़का ऐसा बोला, मैं वहाँ नहीं रुकूँगा, गिविंग नो बडी जॉय, और किसी को खुशी नहीं दूंगा, गिविंग नो बडी, गिविंग मीन्स देना, नो बडी मीन्स यानी किसी को, जॉय मीन्स खुशी, मैं किसी को खुशी नहीं दूंगा, मैं वहाँ नहीं रुकूंगा, गिविंग नो बडी जॉय, मैं किसी को खुशी नहीं दूंगा। ये देखो, आई डिड फॉल डाउन एट वंस तुरंत, और वो बोल रहा है मैं तुरंत गिर जाता, वो फिर वो क्या बोला लड़का, कि मैं पेड़ से तुरंत गिर जाता, आई डिड फॉल मिस गिरना होता, डाउन मिस नीचे, वंस मिस तुरंत, मैं तुरंत गिर जाता एंड से, और क्या कहता, एंड मिस और से मिस कहना कहता है, क्या कहता है, ईट मी माई बॉय,
मुझे खा जाओ मेरे बेटे, मुझे ईट मी, मुझे खा जाओ मेरे बेटे। तो ये बोलता है अगर मैं एप्पल होता तो मैं खुद बोलता, जैसे नीचे बैठ कर एप्पल का वेट करा तो एप्पल गिर ही नहीं रहा है। तो ये अपना इमेज करा कि अगर मैं एप्पल होता तो मैं खुद गिर जाता और मैं अपने बेटे को बोलता कि खा जाओ मुझे मेरे बेटा, मुझे खा जाओ मेरे बेटे। ठीक है, तो आई होप ये अच्छा समझ में आया होगा। तो एक बार और मैं बता देती हूँ, एक बार और मैं ट्राई कर देती हूँ। देखो, इफ आई वेयर एन एप्पल, अगर मैं एक सेब होता, एंड ग्रीव ऑन अ ट्री, और एक पेड़ पर उगता, आई थिंक डिड नॉट ड्रॉप डाउन वंस ए नाइस बॉय लाइक मी, मुझे लगता है कि मैं अपने जैसे अच्छे लड़के को पसंद करूँगा, आई वुड नॉट स्टे देयर, मैं वहाँ नहीं रुकूँगा, आई गिविंग नो बडी जॉय, और किसी को खुशी नहीं दूंगा, आई डिड फॉल डाउन एट वंस एंड से इट मी माई बॉय, और मैं तुरंत गिर जाता एंड से और कहता इट मी, मुझे खा जाओ मेरे बेटे। ठीक है, तो आई होप ये अच्छा लगा होगा पोएम। इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा याद करके, और अपने टीचर को, पेरेंट्स को, फ्रेंड को सुनाना, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये देखो न्यू वर्ड्स हैं कुछ, एप्पल मिस होता है सेव, पिक्चर में भी दिखा रहा है, बॉय मिस लड़का, एप्पल मिस सेव, बॉय मिस लड़का, इट मिस खाना, ड्रॉप मिस क्या होता है, ड्रॉप मिस होता है बूंद, जो बूंद होता है ना बारिश का, हाँ, जॉय मिस आनंद खुशी, आई लाइक टू ईट एन एप्पल, तो मैं एप्पल खाना, मुझे एप्पल खाना पसंद है, वी क्लैप अवर हैंड विथ जॉय, और जब हम खुश होते हैं तो ताली बजाते हैं। ठीक है, जब हम लोग खुश होते हैं तो क्या, ताली बजाते हैं। रीडिंग इज फन, वेयर इज द एप्पल, तो एप्पल कहाँ था, तो ऐसे लिख सकते हैं आप, जैसे आपको बता रहे हैं, देखिए ऐसे लिखिएगा, द एप्पल ऑन द ट्री, कहाँ था, द एप्पल ऑन द ट्री, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे द एप्पल इसका आंसर लिखिएगा, एप्पल वेयर इज एप्पल, एप्पल कहाँ था, द एप्पल इज ऑन द ट्री। ठीक है, ऑन द ट्री इस तरह आप लिख लीजिएगा। वेयर इज द बॉय, बॉय कहाँ था, द बॉय अंडर अ ट्री, वो पेड़ के नीचे है लड़का था। ठीक है, हाउ कैन बॉय गेट द एप्पल, जो लड़के को सेब कैसे मिल सकता था, अगर वो टूट जाता तभी तो उसको मिलता, द गेट द ऐसे लिख सकते हैं, द बॉय गेट द एप्पल, द बॉय गेट द एप्पल। तो इस क्वेश्चन का ये रहा आंसर, द बॉय गेट द एप्पल बाय क्लाइंबिंग द ट्री एंड प्लकिंग, देखिए एंड प्लकिंग एंड है ट्री, प्लकिंग इन फ्रॉम द ट्री, इस तरह यहाँ से लिख लीजिएगा, इसका आंसर आएगा द बॉय गेट द एप्पल बाय क्लाइंबिंग द ट्री एंड प्लकिंग इन द फ्रॉम द ट्री, इसका भी आंसर आपको बता दी बच्चा, वो एप्पल कहाँ था, द एप्पल इज ऑन द ट्री। ठीक है, ऑन द ट्री, और इसका इज करके आप अंडर द ट्री लिख दीजिएगा, अंडर द लड़का क्या था, अंडर द ट्री, ये आई होप अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा, अंडर द ट्री। अब देखिए लेटेस्ट टॉक, तो चलो बात करते हैं, डूड यू लाइक एप्पल, तो यस आई लाइक एप्पल, आप ऐसे लिख सकते हैं यस, यहाँ पे यस लिखिएगा, यस, ये क्वेश्चन वर्ड हटा के आंसर में यस लिख के आई लाइक एप्पल। ठीक है, हैव यू एवर क्लाइंब्ड अ फ्रूट ट्री, तो आप
पेड़ पर चढ़ सकते हैं आप लोग, तो इसको लिख दीजिएगा नो, क्योंकि आप लोग कभी, क्या आप लोग कभी पेड़ पर ये फल को तोड़ने के लिए कभी चढ़े हैं पेड़ पर? तो अगर चढ़े होगा तो यस, अदरवाइज नो भी लिख सकती है। मैं यहाँ पे नो मेंशन कर देती हूँ, नो नो हैव नेवर, ईवर को नेवर लिख दीजिएगा यहाँ पे, नेवर क्लाइम्ब अ फ्रूट ट्री, ठीक है, नो लिख के आई हैव नेवर नेवर क्लाइम्ब अ ट्री, ये भी आंसर हो जाएगा। लेट अस शेयर, चलो अब शेयर करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। इफ आई वेयर अ बर्ड, यदि मैं चिड़िया होता, आई वुड, तो यदि मैं चिड़िया होता तो क्या करता, चिड़िया क्या करते हैं, क्राई करते हैं या फ्लाई करते हैं? तो ये आपका आंसर होगा फ्लाई, ठीक है, फ्लाई होगा। इफ आई वेयर अ बी, यदि मैं मधुमक्खी होता, यदि मैं मधुमक्खी होती, आई वुड, तो मैं ऐसा मैं क्या करता, बज, नहीं ये देखिए आपका होगा बज, ठीक है। अब देखिए लेट अस रीड एंड राइट, इसको आपको पढ़ना है और लिखना है, स्मॉल लेटर के ये अल्फ़ाबेट हैं। देखिए कैसे स्टार्ट करते हैं, देखिए यस बनाते हैं इस तरह, और ये इस पहले ऐसे करते हैं फिर ऐसे, देखिए वही दिया है आपको, ठीक है, यू भी यस टी, जो ट्रेस है ट्रेस करना है इसको, एंड भी, और आगे कंटिन्यू करते हैं, एक यस टी यू भी, इस तरह ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पेज आते हैं, से अलाउड, एप्पल मिस क्या होता है, एप्पल मिस होता है सेव, ड्रीव मिस होता है ड्रीव, ड्रीव मिस ड्यू, ड्यू मिस होता है ओस, ठीक है, और गेंद बाल मिस गेंद, पीपल मिस लोग, ग्रीव मिस बढ़ना बढ़ा, फ्यू मिस कुछ, काल मिस पुकारना, रिबल मिस तरंग, थ्री मिस फेंक दिया, म्यू मिस किसी के बोने या, ठीक है, और ये फाल मिस गिरना। वर्ड फन, फिल इन द लेटर्स टू कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल, यूज द पिक्चर एज ए क्लू टू फाइंड द पीपल। क्रॉसवर्ड पहली को आपको पूरा करना है, अच्छा इसमें लिखना है, कुछ अधूरा है और कुछ भरा हुआ है, तो उसको चलिए हम लोग कंप्लीट करते हैं इसको भी। ये देखिए, देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए पिक्चर दिया है, इसको भरना है, ऑरेंज है, ओ आर ऑरेंज, यहाँ पे आप ए लिखिएगा, एन ऑरेंज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बनाना दिया है, बनाना बी ए एन ए बी बना ना, ये देखिए पियर है, पी ई ए पियर, और ये देखिए एप्पल है, ए डबल पी एल ई, सब नंबर, वन नंबर कंप्लीट, फोर नंबर कंप्लीट हो गया, सिक्स नंबर, फाइव नंबर, अब नंबर थ्री आते हैं, ये आपका है, क्या है लास्ट में, मैंगो, ये है मैंगो, एम ए एन जी ओ। आई होप ये भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो नीचे कुछ क्वेश्चन है, ये क्या दिया है, विच इज फेवरेट फ्रूट, जो आपका पसंदीदा फल है आप लोग का, से वी यू लाइक, जिसको आप पसंद करते हैं, फर्स्ट इज योर ऑन लैंग्वेज देन इन इंग्लिश, तो इसको अपने लैंग्वेज में उसके बारे में आपको लिखना है, तो ऐसे लिख दीजिए, आई लाइक माई फेवरेट फ्रूट और एप्पल, आप ऐसे लिख सकते हैं, माई, ये देखिए माई फेवरेट फ्रूट ए एप्पल, ठीक है, इसको ऐसे लिख लीजिएगा आप, और ये सेकेंड सेंटेंस लिख लीजिएगा, आई लाइक ईट बिकाउज इट टेस्टी यम्मी, ये कितना होता है, टेस्ट में कैसा होता है, टेस्टी होता है, अच्छा होता है, टेस्ट यम्मी, तो इस तरह कंप्लीट हो गया। आई होप ये अच्छा होगा बच्चों, अगर चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट जो
ये आपका आएगा एक स्टोरी है, उसको कंटिन्यू करेंगे। तो अगर मेरे चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, जैसे ही नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँगी वो आपको जस्ट मिलेगा। इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।